गोरखनाथ थाना क्षेत्र के धर्मशाला बाजार के गोयल गली के पास गुरुवार को स्विफ्ट डिजायर कार ने दो बाइक सवार रेलवे के कर्मचारी को जोरदार टक्कर मार दी, जिससे दोनों कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। इस पूरे एक्सीडेंट की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके संबंध में गोरखनाथ थाना प्रभारी राम अज्ञा सिंह ने बताया कि धर्मशाला के गोयल गली के सामने स्विफ्ट डिजायर कार ने दो बाइक सवारों को टक्कर मार दी, जिससे मौके पर उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गोरखनाथ थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक की पहचान रविंद्र कुमार शर्मा पुत्र परमानंद शर्मा निवासी अमीदारी सागपली जनपद बलिया तथा देवेश पांडे पुत्र चक्रपाणी पांडे निवासी बिल महुआरी नौमुड़ा जनपद कुशीनगर के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि यह दोनों मृतक व्यक्ति रेलवे कर्मचारी थे और वह गोरखनाथ के ओवरब्रिज से दुर्घटनाग्रस्त लटकी कार को निकालने के लिए जा रहे थे तथा रास्ते में ही कार ने टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही दोनों व्यक्तियों की मौत हो गई। उन्होंने बताया कि स्विफ्ट डिजायर कार के ड्राइवर का अभी तक पता नहीं चल पाया है तथा मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से दूरभाष पर बात करते हुए SPCT सोनम कुमार ने कहा, हेलो ये नवे आई एम ऑन माय वे आई एम कमिंग 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 I'm just coming, beta. Hello? Yeah, no way, I'm on my way. I'm coming. I'm just coming, beta. ये घटना जो है 2/9/2021 11:48 की घटना है, धर्मशाला गोयल गली के पास हुई थी। इसमें एक स्विफ्ट डिजायर के चालक थे, इनकी जो गाड़ी थी उससे मोटरसाइकिल चला रहे दो व्यक्ति थे, रविंद्र शर्मा और देवेश पांडे, इनको ठोकर लगी और फिर उनकी बाद में मृत्यु हो गई। इस क्रम में थाना गोरखनाथ में मुकदमा अपराध संख्या 306/21 पंजीकृत किया गया है, धारा 279/304A IPC के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है और आगे की इसमें विधिक कार्रवाई की जा रही है।